कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब दुआ मांगता है ना तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है, हर दुआ। फरमाया लेकिन एक वक्त आता है जब इंसान कहता है कि अल्लाह मैं मांग मांग के थक गया मगर तू दुआ कबूल नहीं करता। जब ये लफ्ज़ कहता है तो फिर अल्लाह कबूल करना छोड़ देता है। अच्छा ये लफ्ज़ कहता क्यों है? इसलिए कहता है ना कि उसको कबूल होती भी नजर नहीं आती। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो नजर नहीं आ रही ना कबूल होती भी, वो सारी हो रही होती है, लेकिन जब दिल में ये ख्याल आना शुरू हो गए अब कबूल होना बंद। तो अल्लाह कबूल कर रहा है लेकिन वो अपने हिसाब से कर रहा है। वो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे को छुड़वा के और फिर दूसरा भाई भी छुड़वा के वो आपको आजमा रहा है कि अभी भी मांगते हो कि नहीं मांगते। जब अल्लाह ने देखा आजमाइश में कामयाब तो अल्लाह ने बादशाह बना के मिलाया। तभी तो हजरत यूसुफ ने कहा मेरा रब बहुत बारीक बीन है, बड़ी लताफत से, बड़े खुफिया तरीकों से कामयाबी के, नाकामी के नक्शों में कामयाबी के रास्ते पे